गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीएसटी ऑडिट लिमिट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी है और नहीं भी पता है कि आप लोगों को अगर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तब भी जीएसटी के अंदर ऑडिट करवाना पड़ सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये समझ में आ सके कि 2 करोड़ से कम सेल होने पर भी जीएसटी का ऑडिट क्यों करवाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 2 करोड़ से कम सेल होने पर भी करना होगा जीएसटी ऑडिट। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं सेक्शंस और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब ऐसा सिचुएशन बन के आएगा हमारे सामने। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 35 क्या कहता है। सेक्शन 35(5) कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड शैल सबमिट a copy of audited annual accounts, the reconciliation statement under subsection 2 of section 44 and such other documents in such form and manner as may be prescribed. That means, हर एक registered person को जिसका turnover एक financial year में एक prescribed limit से ऊपर चला जाता है, उसको अपना audit करवाना होता है और audit के साथ साथ उसको अपना audited annual accounts, reconciliation statement और जो other documents अगर कुछ prescribed हैं, तो वो file करना होता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि turnover जो है फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो कितना प्रेस्क्राइब किया गया है। इसके लिए हम लोगों को देखना होगा रूल 80 सब रूल 3। ये है बेसिकली रूल 80 सब रूल 3। अब ये क्या बात कर रहा है, ये बात करता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड एज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35 एंड ही शैल फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड इन फॉर्म जीएसटीआर 9C electronically through the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner. Important है, काफी ध्यान से सुनिएगा। Every registered person, मतलब हर एक registered person, चाहे वो composite taxpayer हो, चाहे वो regular taxpayer हो, सारों के लिए ये चीज applicable होता है। Whose aggregate turnover, ये जो word है, aggregate turnover, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। जिसका aggregate turnover during a financial year exceeds 2 crore rupees, अगर उसका turnover exceed करता है 2 crore रुपए से, तब उसको ऑडिट करवाना है और ऑडिट के साथ साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न और ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स फाइल करना है इन फॉर्म जीएसटीआर 9C। ये कहता है रूल 80 सब रूल 3। अब सवाल उठता है कि 2 करोड़ का जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, इस एग्रीगेट टर्नओवर में सपोज आपका बिजनेस है, आप बिजनेस से सेल्स, मैं आपको बता रहा हूँ सेल्स जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कि अगर आपकी सेल्स 2 करोड़ से कम है तब भी आपको करना होगा जीएसटी ऑडिट। सपोज आपका सेल्स है मात्र 10 लाख रुपए का, सेल्स मतलब सेल्स ऑफ गुड्स। जब सेल्स मैं बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं सेल्स जो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ रही है वो है सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए की। और आपकी रेंटल इनकम है सपोज एक फाइनेंशियल ईयर में 4 करोड़ रुपए की। तो अगर आप इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपका वहां पे ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो टर्नओवर है वो टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ऑफ गुड्स और सेल्स ऑफ सर्विसेज में आता है। ठीक है, वहां पर रेंटल इनकम आपकी बिजनेस इनकम में नहीं काउंट होती। लेकिन जीएसटी के अंदर आपको यह देखना होगा कि एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है। अभी हम लोग एग्जांपल को एक बार के लिए रोकते हैं और देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर क्या कहता है, एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब बताया गया है जीएसटी एक्ट में। आप यहां पे देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाइज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब वो इनवर्ड सप्लाईज हटा दीजिए जिसमें आपको टैक्स पे करना है, क्योंकि वो आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट नहीं बनता, वो एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपको क्या क्या चीज ऐड करना है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, आपको सारी टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूड करनी है अपना एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए। टैक्सेबल सप्लाईज में आपको एग्जम सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स तक को भी आपको इंक्लूड कर लेना है जब आप अपनी एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करेंगे। और उसके बाद आपको इंटर स्टेट सप्लाईज, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल सप्लाई करते हैं उसका अमाउंट भी आपको इंक्लूड करना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि एक पैन पे आपके जितने भी बिजनेस हैं सारे बिजनेसेस का आपको टर्नओवर के लिए सारा सेल्स टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूड करना है, लेकिन उसमें जो आपने सीजीएसटी चार्ज किया है उसको आप बाहर करेंगे, मतलब टैक्स कंपोनेंट एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। ये हो गया एग्रीगेट टर्नओवर। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था
कि आपका 10 लाख रुपए का सेल है, तो 10 लाख रुपए का सेल आपके टैक्सेबल सप्लाईज में आ गया। सपोज आपका रेंटल इनकम है 5 करोड़ रुपए का, अब उस रेंटल इनकम में आपको जीएसटी के अंदर यह देखना होगा कि वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो रहा है। मतलब सेल्स आपकी 10 लाख की है लेकिन रेंटल इनकम, आप कहेंगे ये तो हमारा बिजनेस है ही नहीं, ये तो हमारी सेल्स है नहीं, लेकिन जीएसटी के अंदर सेल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बोला गया टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आप अगर गुड्स बेच रहे हैं वो भी इंक्लूड होगा, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो भी आपके टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा, जो अल्टीमेटली एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। तो जो आप रेंटल इनकम ले रहे हैं उसमें भी आपको सर्विस की प्रोविजन है, तो वहां पर आपको टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा क्या है, एग्जम्प्ट सप्लाई। सपोज आपका 10 लाख का सेल है और 5 करोड़ की एग्जम्प्ट इनकम है, एग्जम्प्ट रेंटल इनकम। वो कैसे, सपोज आपने रेसिडेंशियल पर्पज के लिए रेंटल दे रखा है तो उस पर आपको टैक्स तो लगना नहीं है, जीएसटी लगना नहीं है, क्योंकि रेसिडेंशियल रेंट इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड है। लेकिन जब आप ऑडिट की लिमिट कंप्यूट करेंगे तो आपका जो टर्नओवर है, जो एग्रीगेट टर्नओवर वाला कंडीशन है, वो एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि 10 लाख सेल्स प्लस 5 करोड़ की एग्जम्प्ट इनकम, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में आपको एग्जम्प्ट सप्लाईज भी इंक्लूड करनी है। तो जब सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, 5 करोड़ 10 लाख, जो कि है 2 करोड़ से ऊपर, इसीलिए आपको ऑडिट करवाना होगा। अब यहां पर समझिएगा कि जीएसटी ऑडिट तो सेल्स अगर 2 करोड़ से कम है तब भी करना है, क्योंकि आपको अदर इनकम्स भी देखनी है, सारी इनकम को ऐड करना है उसमें, सिर्फ और सिर्फ सेल्स जो है उसको नहीं देखना है, जो काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। अब एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा लाइन से हट रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको जीएसटी ऑडिट तो कराना ही कराना है, तो क्या जीएसटी ऑडिट अगर हम लोग कराते हैं तो क्या इनकम टैक्स ऑडिट भी साथ में कराना मैंडेटरी हो जाएगा? अगर मैं बोलूं कि जिस बंदे का जीएसटी ऑडिट होना है उसको मैंडेटरली इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट करवाना है, चाहे वो 44AD में रहे चाहे वो 44AD में ना रहे, उससे कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि जीएसटी ऑडिट का एक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको ऑडिटेड एनुअल अकाउंट फाइल करना है। तो अगर आप ऑडिटेड एनुअल अकाउंट फाइल नहीं करेंगे तो आप सेक्शन का जो प्रोविजन है उसको कंप्लाई नहीं करेंगे। एक बार मैं आपको पढ़ाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Every registered person whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of audited annual accounts. आपको audited annual accounts भी submit करना है GSTR 9C के साथ साथ। तो audited annual accounts तो आप सभी submit कर पाएंगे जब आप अपनी income tax के अंदर audit कराएंगे। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि हमारा सेल्स अगर 2 करोड़ से कम है तो क्या इनकम टैक्स में भी ऑडिट कराना होगा? अगर जीएसटी में ऑडिट हो रहा है बिल्कुल कराना होगा। जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को दोबारा देखते हैं, 10 लाख का सेल्स है, 5 करोड़ का रेंटल इनकम है, जीएसटी के अंदर तो ऑडिट कराना ही कराना है, एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया। लेकिन अब इनकम टैक्स की बारी, इनकम टैक्स में 10 लाख का टर्नओवर है तो भी ऑडिट कराना पड़ जाएगा? बिल्कुल कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको जीएसटी के अंदर ऑडिट करना है और उसमें एक रिक्वायरमेंट यह है कि ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स सबमिट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी समझने वाली चीज है कि ऑडिट कब, किसको, कैसे, क्यों क्यों नहीं करवाना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समझ लेना कि जीएसटी का जो ऑडिट लिमिट है उसमें क्या क्या रिपरकेशंस होंगे, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कंप्यूट होगा और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी, और हम लोगों को कब बिलो लिमिट होते हुए भी जीएसटी के अंदर जो है ऑडिट करवाना पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफी लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है कि 2 करोड़ से कम वालों के लिए भी जीएसटी ऑडिट और इनकम टैक्स ऑडिट दोनों मैंडेटरी हो सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को तक फॉलो नहीं किया है तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Thank you and have a nice day.